गाइस वेलकम बैक टू एजी सॉल्यूशंस। चलो चालू करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज आई विल बी टॉकिंग अबाउट हीट। बेसिकली ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में बताऊंगा एंड आपके टेक्स्ट बुक में जो नहीं है वो भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों जाते हैं। हे गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज हीट। सो दोस्तों, हीट की अगर बात करूँ तो सबसे पहली बात, हीट में जैसे मैंने पहले बताया, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड सेकेंडली अगर मेरे को बोलना है, यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे मैंने हम लोगों ने पहले बताया, ये तो हम लोग को याद हो गया रहेगा, लेकिन अगर मुझे हीट को कैलकुलेट करना है तो इसका सिंबल से बात करते हैं हम लोग। हीट इज बाय थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर थर्मोडाइनमिक्स का थियरी के हिसाब से सिंबल ऑफ हीट इज डेल्टा एच, शोन बाय डेल्टा एच, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंटेंड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट ऑफकोर्स उसके पास मॉलिक्यूल तो रहेगा ही रहेगा। आपने अगर मॉलिक्यूल का अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो ऊपर मेरा आई बटन दिया गया है, प्लीज डू चेक इट। वहां पे मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में मैंने बहुत बताया डिटेल में, तो वो वीडियोस को अगर आपने देखा है तो आपको बेसिकली समझ आएगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं करके। सो आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे बात की गई थी, दैट इज हीट इज कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंटेंट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप काइनेटिक एनर्जी और इसके अलावा एक और चीज है पोटेंशियल एनर्जी, ये दो चीज आपको बेसिकली क्लियर रखना पड़ेगा। डेफिनेशन तो आपको मोर इम्पोर्टेंट क्लियर रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी इज एन एनर्जी दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द मोशन ऑफ विद अदर्स। मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है, ये वो एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एंड ये एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? उसका वो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ, उस पर डिपेंड करता है। एंड पोजिशन, दैट इज मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, किस तरीके से उसको पोजिशन किया गया है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, दैट इज स्टोर्ड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? कोलाइडिंग एनर्जी, मतलब कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है, तो उस टाइम जो ट्रांसफर होता है कोलिजन के बीच फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इससे क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन प्राप्त होती है, इट स्टार्ट्स मूविंग, तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द सेम इज द मेन डेफिनेशन दैट इज रिटन हियर, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंटेंड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज हीट। इसका यूनिट क्या है दोस्तों? बेसिकली हीट का यूनिट है जूल्स। अब यहाँ पे इतना तो हमें समझ में आ गया रहेगा, लेकिन एक बात मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाहता हूँ। जो हीट, अगर आपको बेसिकली कोई भी अगर एग्जाम्स में अगर पूछा जाए, अगर आपको बोला जाएगी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हीट, तो एक तो आप डेफिनेशन लिख दोगे, आपको एक ये भी मैंने दे दिया है कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट्स यूनिट इज जूल्स करके मैंने बोल दिया है, एंड इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंटेंट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है कि इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर बात करो तो ऑफकोर्स कुछ चेंजेस लाएगा हीट। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट? सबसे पहला इफेक्ट आता है चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड स्टेट में, तो हीट एनर्जी प्राप्त करने की वजह से वो या तो लिक्विड स्टेट में आ सकता है या फिर गैसीय स्टेट में, मतलब स्टेट चेंज होता रहेगा। सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। ऑफकोर्स अभी अगर स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, द टेम्परेचर विल इंक्रीज। अगर लिक्विड टू सॉलिड जा रहा है तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। सो हीट एनर्जी जिस तरीके से ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट में जा रहा है, सो ड्रास्टिकली वो बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर लोअर डाउन होगा, एंड अगर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो टेम्परेचर विल राइज। सो देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरा चेंज किस में आता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी अगर बात करो, डिसॉल्वनेस तो आपको वो समझा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करो तो पानी में अगर सॉल्ट मिलाओ, सो आसानी से घुल मिल जाता है वो। लेकिन अगर मुझे लेमन वाटर जो गर्म, मुझे हनी को पानी के साथ घुलाना है, घुल मिलना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? द वाटर मस्ट बी बॉइल्ड, एंड एट दैट पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट वी मस्ट पुट द हनी इनसाइड इट एंड स्टिर इट। स्टिर करने के बाद ही वो डिजॉल्व होगा। सो विच मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस भी चेंज होगा। चौथा चेंज किसमें आता है? साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलर एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपको नॉर्मली याद रखना है। तो इतना आपको समझ में आ गया है कि हीट क्या होता है। हीट सबसे पहली बात एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सेकेंड, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंटेंट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसको कैलकुलेट करते उसका यूनिट क्या है? जूल्स।
एंड एफेक्ट्स ऑफ हीट क्या क्या है? इट चेंजेस टेम्परेचर, स्टेट ऑफ मैटर, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो टेम्परेचर। इतना तो हम लोगों ने हीट के बारे में जान लिया दोस्तों। अब हम आगे जाते हैं टेम्परेचर की बात, दैट इज द रिलेटिव टर्म ऑफ हीट। तो चलो आ जाते हैं। तो अब टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, सो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय टेम्परेचर? यहाँ पे टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ, इट इज इट गिव्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये मुझे मालूम पड़ता है टेम्परेचर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फीवर हुआ है तो मैं थर्मोमीटर लेता हूँ, मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं थर्मोमीटर में कैलकुलेट करूँगा, मुझे फीवर आ गया तो मेरे अंदर हीट प्रोड्यूस हुआ है, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम थर्मोमीटर क्या दिखाई देगा, इंडिकेट क्या करेगा कि मुझे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, राइट? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मतलब क्या? मतलब मुझे फीवर हुआ है, मतलब मेरे अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वायरस की वजह से। जो भी है, वायरस को निग्लेक्ट करते हैं यहाँ पे, वो बायोलॉजी टर्म निग्लेक्ट करते हैं, बट वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। और अनदर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ लेबोरेटरी में या फिर हमारे किचन में, अगर हम लोग देखें जो बॉइलिंग वाटर रहता है, नॉर्मल वाटर जो आइस की जो टेम्परेचर रहती है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहती है, लेकिन वही आइस को अगर मैं गर्म करते जाओ करते जाओ, तो एक टाइम आता रहेगा उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, फ्रॉम 0 to 50, 50 to 100 डिग्री सेल्सियस, एंड 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे उसके बाद स्टीम बनना शुरू हो जाता है। सो विच मीन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ वाटर और द कोल्डनेस ऑफ वाटर, जो मैंने पहले बताया आइस का जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या इंडिकेट करता है? इतना ठंडा है करके, लोअर पॉइंट। एंड जो मैंने बताया स्टीम प्रोड्यूस हो रहा था बॉइलिंग ऑफ वाटर से, तो जो स्टीम का मैंने क्या बताया था 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रह सकता है उस टाइम पानी जब गर्म होता रहेगा, तो ये अपर पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो हॉटनेस उतना दिखाता है। तो विच मीन्स टेम्परेचर इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। सेकेंड थिंग, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन सेल्सियस। इसके अलावा एक और यूनिट है उसका पास फारेनहाइट, बट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। एंड केल्विन जो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, केल्विन 1 केल्विन इज इक्वल टू 273.15 वैल्यू है उसका। एंड अगर मुझे 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूँ, मुझे 0 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन अगर बात करूँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करूँ, तो 100 + 273.15 दैट इज केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस इज 373 केल्विन। सो इतना आपको क्लियर रहेगा, अगर आपको क्लियर नहीं फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ये दे दूंगा मैं। अभी एक और चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता रहेगा कि टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इट डिफाइंस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कितने फ्रैक्शन ऑफ टाइम में एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है, रेट की जो बात कर रही है यहाँ पे, ये आपने देखा रहेगा, ये जो चीज नॉर्मली दिख रहा है रेट जो मैं बात कर रहा हूं, ये रेट जो चीजें हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग बेसिकली हम लोग इसको एक ही चीज से हम लोग कैलकुलेट कर, दैट इज हमारा टाइम। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, एंड इट व्हाई इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, इसको कैलकुलेट करना है मुझे। तो फिर टेम्परेचर को कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हीट ट्रांसफर हुआ है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। अब या जैसे मैंने हीट के लिए बताया था चेंजेस जो इफेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट्स में, वैसे ही टेम्परेचर का भी कुछ कुछ इफेक्ट्स होता है। जैसे कि सबसे पहला तो आपको मालूम पड़ता रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट का रहेगा उसका वॉल्यूम बदलता रहेगा। सेकेंड थिंग, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड। यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस मैं आगे वाले जगह पे बताऊंगा जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते मेन डिफरेंस की तरफ। सो द मेन डिफरेंस ऑफ हीट एंड द टेम्परेचर इज, सबसे पहले तो आपको पता है हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो, टेम्परेचर हमारा क्या है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। सेकेंड, वी कैन से दैट इट इज कैलकुलेटेड बाय द टोटल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी कंटेंट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी मैंने इसका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का मैंने बता दिया था डेफिनेशन क्या होता है। टेम्परेचर का अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे, सो वी कैन से दैट इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स।
काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, कोलाइडिंग एनर्जी, ये आपको बेसिकली बहुत इजीली समझ में आना चाहिए। एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों बोला गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं एंड ये वाइब्रेशन होने की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है। टकराता है मींस व्हाट, देयर इज अ कोलिजन बिटवीन वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हेंस वी आर सेइंग दैट वी आर मेनली इंक्लूडिंग काइनेटिक एनर्जी। हीट कहाँ से कहाँ पे ट्रैवल करता है, फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। एंड टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे दिखता है मुझे, इट राइजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हीटेड, इट लोअर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कूल्ड। इतना आपको क्लियर रहेगा। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें सिर्फ एक ही बात समझनी, दैट इज द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत मेहनत किया, देखो जरा। ठीक है, चालू करते हैं हम लोग। सो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारा हीट क्या होता है, उसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये तो हमें मालूम पड़ गया। लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो मैंने अब तक बताया कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो बता रहा था मैं, हीट किस तरीके से ट्रांसफर करता है, मतलब हीट एनर्जी किस तरीके से एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाता है। सो उसका एक नॉर्मली मैंने एक एग्जाम्पल लेके है, दैट इज दिस वन। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि एक यूटेंसिल को, एक उस जिसके अंदर पानी है उसको हम लोग फ्लेम में गर्म करवा रहे हैं। एंड इन एवरीडे लाइफ हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग देखे रहेंगे, जैसे कि पैन, पैन जिसमें हम लोग कुछ बनाते रहेंगे उसको हम लोग, उसको गर्म करना है, समझो हम लोग का ऑमलेट बनाना है तो भी हम लोग पैन को गर्म करेंगे, उसमें अंडा डालेंगे, जो भी है वो प्रोसेस तो बहुत लंबा है, लेकिन वहां पे भी हम लोग को हीट ट्रांसफर हो फ्रॉम पैन टू द एग ऑमलेट जो बनाने का हम लोग को। एंड ये जो चीज ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फ्लेम को हम लोग कभी बढ़ाते तो टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, फुल फ्लेम में रखते तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, मतलब हीट ट्रांसफर ज्यादा रहेगा। अगर फ्लेम को धीरे धीरे सिम में डाल दिया मैंने, मतलब लो वॉल्यूम में डाल दिया, तो फिर टेम्परेचर विल मतलब नॉर्मल रहेगा एंड हीट जो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स में जा रही है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, उसमें भी थोड़ा गिरावट आएगा, मतलब धीरे धीरे हीट एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगा। सो अभी यहाँ पे तीन टर्म्स की बात की है दोस्तों, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये तीन चीज आपको बेसिकली समझ में आना जरूरी है। सो वॉट इज कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो पार्ट है मेरा हॉटर पार्ट, यूटेंसिल का जो हॉटर पार्ट है, जब फ्लेम से हॉट हीट एनर्जी यूटेंसिल पे ट्रांसफर होती है, दिस हीट एनर्जी ऑफ द यूटेंसिल दैट इज कंटेन्ड इन द यूटेंसिल इज नाउ इन द हॉटर पार्ट। तो ये किस पे किसको ट्रांसफर करता है, टू द स्टिक। ये जो स्टिक है हमारा येलो जो पार्ट मैंने अभी किया है, ये स्टिक जो अभी फिलहाल के लिए इनिशियली इट इज कोल्ड, तो ये इसको अगर इस स्टिक को गर्म करना है तो क्या होता है, कहां से ट्रांसफर मिलती है उसको हीट एनर्जी, कहां से मिलती है, फ्रॉम द यूटेंसिल इटसेल्फ, दैट इज फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है हमारा यूटेंसिल, तो ये यूटेंसिल का जो पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पूरे यूटेंसिल में हमारा मेन चीज हमारा क्या जाता है, हॉटर पार्ट कौन सा था मेरा यूटेंसिल का, जो ये स्टील जो मेन चीज है हमारा, दैट इज द रेड पार्ट दैट आई हैव मेड हियर राइट नाउ, ये मेरा हॉटर पार्ट है। यहां से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है टू द स्टिक दैट इज येलो दैट आई हैव कलर्ड येलो, इसमें जो हो रहा है यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। एंड ये जो कंडक्शन, इट मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल्स। एंड मॉलिक्यूल्स अगर बात करो तो इट कैन बी सेग्रीगेटेड एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑल्सो ड्यू टू कंडक्टिविटी ऑफ हीट। तो यहाँ पे कंडक्शन अगर प्रॉपरली डिफाइन करूँ तो हीट कंडक्शन इज प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग मोशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। अब कन्वेक्शन पे जाते हैं दोस्तों, कन्वेक्शन बेसिकली हमें क्या बोलता है, कन्वेक्शन जनरली डिफाइंस व्हाट, कन्वेक्शन मतलब हीट जो ट्रांसफर हो रहा था कंडक्शन में फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पार्ट, कन्वेक्शन उसका रिवर्स बताता है दोस्तों। कन्वेक्शन में क्या होता है, नॉर्मली ये एरो से सिंबल से आपको मालूम पड़ता रहेगा कि द हीट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द यूटेंसिल टू द वॉटर इन साइड इट। सो वही चीज बात करने वाला हूँ, कन्वेक्शन ऑफ हीट इज ट्रांस हीट इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लिक्विड एंड गैस और गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर।
अब रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर कौन सा है मेरा? ये जो मेरा येलो पार्ट है, नीचे वाला बेसमेंट वाला जो पार्ट है, ये मेरा हॉटर रीजन है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा हॉटर रीजन? क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है फ्लेम से, फ्लेम के यहाँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी प्राप्त हो रही है। एंड मेरा लोअर हीट वाला या फिर लोअर ट्रांस जो हीट टेम्परेचर रहता है वो वाला पार्ट कौन सा है? सरफेस, ये जो पानी का जो सरफेस अपर लेयर है सर, पानी का यूटेंसिल का जो अपर लेयर है वो मेरा लोअर टेम्परेचर वाला रीजन है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन की अगर बात करूं, अगर हीट एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन से अगर लोअर टेम्परेचर रीजन तक अगर जा रही है, देन वी कैन से द हीट प्रोसेस इज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन मैंने देख लिया, बता दिया कि फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कन्वेक्शन मैंने बता दिया कि इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ हॉटर रीजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर रीजन। हॉटर रीजन या फिर हॉटर टेम्परेचर वाला जो रीजन रहता है उधर से लोअर टेम्परेचर, जिसके पास कम लो टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर कंपैरेटिवली उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसमें अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो फिर उसको कन्वेक्शन बोलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली क्या होता है? हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम। मतलब बिना मीडियम, मतलब ये मीडियम मेरा कौन सा है? ये यूटेंसिल का। तो ये यूटेंसिल का मीडियम के अलावा जो सराउंडिंग में जो प्रोसेस चालू है, जैसे कि हैंड है मेरा यहाँ पे, ये जो हैंड है इसमें भी हीट जो ट्रांसफर हो रहा है इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव पार्टिकल, सो रेडिएट हो रहा है हीट एनर्जी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल किसके अंदर दिखता है मेरा यूटेंसिल का, उस पर डिपेंड कर रहा ही नहीं, मतलब मीडियम पे डिपेंड करे भी ना, अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है किसी और सराउंडिंग में तो हम लोग उसको रेडिएशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक था हमारा नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट था, इतना आपको समझा रहेगा ऐसा मुझे लगता है। स्टे ट्यून्ड टू माय नेक्स्ट वीडियोस एंड डोंट वरी, इसके पूरे डेफिनेशन में अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एंड कोई क्वेरी रहेगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज एजी सॉल्यूशंस एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।